Bismillah ar rahim. Assalamualaikum. Grade one. I am your maths teacher, Ms. Sadaf, and today is our maths' ka lesson number twenty-one. So please note down the page which we are going to do today. Today we are learning a new concept: one point two point nine concept of hundred. So, आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने लगे हैं इसलिए मुझे आपकी तमाम जर तो स्क्रीन पे चाहिए ताकि ड्यूरिंग दी एक्सप्लेनेशन आप कोई पॉइंट मिस ना करें टीचर्स इस लेसन का मटेरियल आपने डेफिनेटली डाउनलोड किया होगा उसी को यूटिलाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हमेशा की तरह हम डिस्कस करेंगे कि आज का हमारा एस एल ओ क्या है टीचर्स अगर आप एक हैबिट बना लें कि बच्चों को जब भी लेसन शुरू करने लगे तो लेसन में अपनी नोटबुक के ऊपर जिसके ऊपर बच्चे टास्क कर रहे हैं हर टास्क को शुरू करने से पहले अपना उस दिन का एस ऊपर लिखें ताकि उन्हें पता हो कि आज जो कॉपी पे एक्टिविटी की जा रही है या टीचर जो बोर्ड पे एक्सप्लेनेशन दे रही है वो तमाम जो है उसी एस से रिलेटेड है क्योंकि जब हम लेसन स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है हम एस का डिस्कस करते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं और एंड पे लेसन के बच्चे हमें बताते हैं कि क्या इस एस एलोसन को कितनी अंडरस्टैंडिंग हो गई और इन टास्क से वो कहां तक पहुंच चुके हैं उस SLO को ख़ुद से एक्सप्लेन करने के लिए और खुद से उस पर दी जाने वाली एक्टिविटी को करने के लिए तो आज के एस को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें काउंट इन टेंस एंड रेकग्नाइज हंड्रेड एज अ थ्री डिजिट नंबर तो आज अभी हम पहला टास्क करेंगे कुछ काउंटिंग का और फिर सेकेंड टास्क हम करेंगे रिकग्निशन का यानी पहचान का किसकी हंड्रेड एज थ्री डिजिट नंबर अभी तक प्यारे बच्चों इससे पहले हमने सिंगल डिजिट नंबर्स पढ़े फिर डबल डिजिट नंबर्स पढ़े जो कि टेन uh, से लेके नाइन्टी नाइन तक आते हैं ऑलवेज रिमेम्बर नाइन इज बिगेस्ट वन डिजिट नंबर नाइनटी नाइन इज द बिगेस्ट टू डिजिट नंबर क्योंकि नाइनटी नाइन के बाद वेन वी एड वन मोर बिकम्स थ्री डिजिट नंबर विच इज नोन एज हंड्रेड जैसे 100 रुपीस का आपने देखा होगा अब उस नोट को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे जरा स्क्रीन पे देखिए और जिस जिस नंबर को मैं सर्कल करती जाऊंगी आपने ऊंची से एज अ होल क्लास उस नंबर का नाम बताना है मुझे तो जरा स्क्रीन पे देखिए टेन शाबाश 20 30 40 50 60 70 80 90 शाबाश ये तो थी टेंस में काउंटिंग यानी हमने 10 20 30 बंडल्स ऑफ 10 में काउंटिंग की थी तो आइए इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी देखते हैं जिसमें टीचर ने आपको हॉपिंग की एक्टिविटी किस तरह एग्जीक्यूट करके दिखाई है इस वीडियो लेसन में और उसके बाद फिर बढ़ेंगे अगली एक्टिविटी की तरफ हाँ जी तो जो हमारी वार्म अप एक्टिविटी थी काउंट इन टेंस हमने पहले स्क्रीन पे की नंबर्स को देखा अब हम जरा थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को फर्दर डेवलप करते हैं उन बंडल्स के साथ जिनकी हमने प्रीवियस लेसन में प्रैक्टिस की थी सो so, If I start here, आपको मेरी टेबल पे क्या नजर आ रहा है एक चार्ट पेपर है और इसके ऊपर अंडर इट तो ये मेरा पहला बंडल है टेन का दर्स्ट बंडल सो हाउ वि राइट इट एज ए नंबर टेन देन कम्स ट्वेंटी थर्टी फोर्टी शाबाश पढ़िए मेरे साथ फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी नाइनटी वट वुड बी द नंबर नेक्स्ट नाइन्टी के बाद जब हम टेन मोर स्टिक्स को काउंट करते हैं एक बंडल बनाने के लिए तो उसके लिए जो नंबर हम लिखते हैं वो है द नंबर हंड्रेड हंड्रेड दिस इज हाउ राइट इट वी राइट वन विरो वंस का जीरो का जीरो और ये तीसरा वन जो डिजिट है ये हमें बता रहा है कि दिस इज द वैल्यू इज हंड्रेड और हंड्रेड के लिए जो मैंने आपको स्टिक दिखाई बनाई थी आपके लिए वो ये थी सो दैट मीन्स वन वी पुट दिस टुगेदर तो अब मेरे पास हंड्रेड स्टिक्स आ गई सो so अब अगर हम देखें कि हंड्रेड को हमने कैसे लिखना है तो हम लिखेंगे वन जीरो जीरो दिस इज हाउ वी राइट द नंबर हंड्रेड हंड्रेड इसका अपना नाम है फर्स्ट वी राइट वन देन जीरो एंड जीरो अगेन देर आर टू जीरो with the one and this is the number 100 or 100 my skip counting may 90 ke hai. so if we count skip count can you see my little friend here this little frog is going to count 10 20 30 40 50 60 70 80 90 and then comes and stops at 100 तो दिस इज़ कॉल्ड काउंट इन टेंस एंड देन वंस वी फिनिश विद नाइंटी वी रीच टू द नंबर हंड्रेड एंड हंड्रेड इज रिटर्न विद वन एंड टू जीरो टीचर्स बच्चों से इस किस्म की छोटी सी एक्टिविटी करवाइए हंड्रेड की रिकिग्निशन के लिए ताकि उनको पता हो जब हंड्रेड वो लफ्ज सुने तो वन जीरो ज़ीरो लिख सकें और अगर वन जीरो जीरो को लिखा देखें किसी फ्लैश कार्ड की शक्ल में या कहीं पर भी किसी भी प्रिंट फॉर्म में तो उसको बता सकें कि ये नंबर हंड्रेड है एंड वी विल बी बैट आफ्टर दिस एक्टिविटी हाँ जी पहले बच्चों ने एक्टिविटी देखी अब आपको आइडिया हो गया कि जब हम टेन्स में काउंट करते हैं तो हम एक पूरे पूरे बंडल को स्किप करके अगले बंडल की तरफ बढ़ जाते हैं तो आज देखते हैं कि अभी जो हमने करना है रिकग्निशन ऑफ हंड्रेड एज ए थ्री डिजिट नंबर उसके लिए ये बंडल हमें कैसे हेल्प करते हैं सोफ दिस इज टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी

टू डिजिट नंबर उसके बाद आ जाता है हंड्रेड थ्री डिजिट में कैसे इफ दिस इज फर्स्ट बंडल ऑफ टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी एंड देन सो ऑन एंड देन व्हेन वी होप अप नाइन एंड काउंट वन मोर आफ्टर नाइनटी नाइन देन वी मेक अ हंड्रेड आपकी बुक के पेज का स्क्रीनशॉट है

बिग बंडल ऑफ हंड्रेड जैसे हमने टेंस के छोटे छोटे बंडल्स बनाए थे जब हम थ्री डिजिट नंबर की बात करते हैं तो हम हंड्रेड के बंडल्स बना के रखते हैं सो इट इज अगर बंडल लेट्स सी व्हाट डू वी हैव हेयर लेट्स काउंट विद मी वंस अगेन एंड सी हाउ डू वी मेक हंड्रेड टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी नाइनटी हंड्रेड हाउ डू वी राइट हंड्रेड इसकी आज हमने रेकोग्निशन की है हमारा एस कह रहा था कि पहले काउंट करें जब हंड्रेड तक पहुंच जाएं, तो फिर उसको रेकग्नाइज करें हंड्रेड कैसे लिखते हैं बच्चों हंड्रेड को लिखने के लिए हम लेफ्ट साइड पे सबसे पहले वन लिखते हैं एंड देन वी पुट टू जीरोस। हंड्रेड इज अ थ्री डिजिट नंबर हंड्रेड रिवाइज वंस अगेन जीरो से लेके नाइन तक आर सिंगल डिजिट 10 से लेके 99 नाइन तक आर डबल डिजिट एंड देन फ्रॉम 99 नाइन एंड ऑनवर्ड्स हंड्रेड की काउंटिंग जब स्टार्ट होती है तो दे बिकम थ्री डिजिट्स तो टीचर्स आज का ऐसे लो कह रहा है कि रिकग्निशन हो बच्चों को जब वो हंड्रेड कहीं पे लिखा हुआ देखें तो उसका नाम बता दें और अगर नाम सुने तो वो आपको डिजिट्स में या न्यूमरल्स में लिख के दिखा दें तो ये आपने बच्चों से आज प्रैक्टिस करवानी है इस प्रैक्टिस को अचीव टास्क को अचीव करने के लिए एक छोटी सी प्रियमटिव ग्रुप एक्टिविटी है जो कि किताब में दी गई है इसका स्क्रीनशॉट शॉट यहाँ पर मौजूद है आपने बच्चों से कहना है कि वो पेयर्स में आ, या अपने साथ थ्री या फोर के ग्रुप्स में कन्वर्ट हो जाए और उसके बाद इस टास्क को खुद से कंप्लीट करने के बाद आप ग्रुप्स से कहें कि वो आपस में इन आंसर्स को शेयर करें एंड देन वी विल बी बैक फॉर द इंडिविजुअल टास्क हाँ जी ग्रुप वर्क एक्टिविटी होगी टीचर्स आपने अगर ग्रुप वन एंड ग्रुप टू से आंसर्स को मैच कराया है तो शाबाश वेरी गुड बच्चों आपने जिस तरह कॉपरेट किया और टीचर के साथ जो है आंसर्स का रिस्पॉन्ड किया आइए ज़रा कुछ आंसर्स को मेरे साथ भी मैच कर लीजिए द क्वेश्चन से इज आइडेंटिफाई एंड राइट मिसिंग नंबर्स इन द गिवन सीक्वेंसेस सो अभी आपने मेरे आंसर्स को अपने आंसर्स के साथ मैच करना है आइडेंटिफाई एंड राइट सो वी आर गोइंग टू राइट सम मिसिंग नंबर्स ट्वेल्व के बाद वाला नंबर Uh, जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा उसको मैंने लिखना है सो so, 12 के बाद होते है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड देन 21। वन मैचर आंसर्स प्लीज और अगर कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है तो अभी कर लीजिए पार्ट बी को डिस्कस करते हैं 38 के बाद 39, 40 शाबाश देन 41

99 और अब आती है बारी जनाब हमारे थ्री डिजिट नंबर हंड्रेड की तो वही रिमाइंडर जो मैं आपको दे रही थी कि फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर और 99 इज़ इज लास्ट टू डिजिट नंबर वही नोट आपके लिए एक रिमाइंडर के तौर पे किताब में भी दिया गया है तो इतनी प्रैक्टिस के बाद अब क्या करेंगे अब हम करेंगे एक इंडिविजुअल वर्कशीट की टास्क जो अभी हमने खुद से अटेम्प्ट करनी है सो टीचर्स एक्टिव वर्कशीट इज एन आइडिया यू कैन रेप्लीकेटेड आई दर ऑन द बोर्ड और इन देयर कॉपीज ताकि एक्टिविटी को एग्जीक्यूट कर लें दे आर गोइंग टू काउंट बाईस एंड अरेन्ज नंबर्स और राइट नंबर्स इन द गि बॉक्सिस तो ये एक्टिविटी करने के लिए टीचर आप इनको तीन से पाँच मिनट दीजिए या अपनी कॉपीज पे काम अटेम्प्ट कर लें या वर्कशीट्स को कंप्लीट करें और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले लेसन के हिस्से की तरफ हाँ जी प्यारे बच्चों ये कलरफुल सी एक्टिविटी आपने कर ली अगर आपने अपने गम्स में कलर कर लिया है इन बबल गम्स में तो शाबाश अच्छी बात है ये वर्कशीट भी लोग कलरफुल और टीचर्स को क्लास में डिस्प्ले पे भी लगा सकती हैं तो जनाब एज यूजुअल हमने जो ऐसे लोग को आज अंडरस्टैंड किया एक्टिविटीज की हमने वीडियो भी देखी और उसके साथ साथ हमने जो है वो अपनी बुक के वर्कशीट के ऊपर भी काम किया और बुक में जो ग्रुप एक्टिविटी की वो भी की तो आज क्या अब आप इस लेसन के बाद इस काबिल हो गए हैं कि काउंट कर सके में एंड टेंग्नाइज कर सके वन हंड्रेड को एज अ थ्री डिजिट नंबर तो अब जनाब बारी आती है एक छोटे से चैलेंज की जो आपने ये करना है टीचर आपको टेबल के ऊपर ऐसे बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स रख के देंगी और आपने इन तमाम फ्लैश कार्ड्स में से ढूंढना है कि हंड्रेड किस फ्लैश कार्ड पे लिखा हुआ है तो टीचर आपने जो है वो बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी है या ग्रुप्स में टेबल पे बुला लें या इंडिविजुअली बुला लें लेकिन एवरी टाइम यू हैव टू शफल द कार्ड्स एंड स्विच द प्लेस ऑफ द नंबर दंड्रेड ताकि इसको आपको ढूंढ के बताएं और आप चेक कर सकें कि इनकी रिकग्निशन क्या है तो प्यारे बच्चों वार्म अप में जो आपके अप में जो आपके लिए मैं एक्टिविटी लेके आती हूँ वो आपके लिए एक चैलेंज होता है जो आपने करके ये दिखाना होता है कि आज आपने लर्निंग कर ली है तो प्ले ग्राउंड में जाने के लिए छोटी सी एक्टिविटी मैं रिकमेंड करूंगी टीचर्स इनको आप जब भी बाहर लेके जाए इस एक्टिविटी को अपने प्लान का हिस्सा बनाएं कि कलरफुल चौक से ये बच्चे ख़ुद से ही एक्टिविटी करें कि एक एक सर्कल बनाएं उसके अंदर जो है वो टेंस में नंबर्स लिखें और फिर उसके अंदर हॉप करें इससे इनकी जो है एक्टिविटी भी होगी और इससे इनका कॉन्सेप्ट भी फर्दर काउंटिंग इंटेंस का क्लियर हो जाएगा इसके साथ साथ एक छोटी सी पजल एक्टिविटी वर्कशीट है आपको यकीन इंटरेस्टिंग लगेगी ग्रेड वन आपको चैलेंजेस जो है वो करने आने चाहिए छोटे छोटे आज के लेसन के हिसाब से इसलिए कि ये छोटी सी चैलेंजिंग वर्कशीट आपके लिए मैं लेके आई हूँ टीचर्स इसको आपने क्लासरूम में डिस्प्ले करना है एक्टिविटीज़ को इन्जॉय करें लर्निंग को इन्जॉय करें अपना बहुत ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़